Good morning and assalamu alaikum everyone. Children, when we talked about the syllabus for the practicals, so kindly note it down that how many practicals you have to do and how many are omitted by CBSE. Children, when we talked about the syllabus in which if you have your manual, agar aapke paas manual hai, इस तरह का मैनुअल है, इफ़ यू हैव द मैनुअल दैट इज टुगेदर विथ, अगर आपके पास सरस्वती है तो भी चलेगा, उसमें आप देखो उसके कंटेंट में तो ए बी सी डी करके एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज किया गया है. तो जो भी बेसिक नॉलेज वाला जो भी प्रैक्टिकल है जिसमें अगर देखें तो सबसे पहला है बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स, जिसमें हम इन चारों को नहीं करना है. हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो नोट डाउन करो, तो वो है कि टू आइडेंटिफाई द केमिकल अपरेटस फ्रॉम द केमिस्ट्री लैब एंड देन यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन, वो कैसा है, कैसा दिखता है और कहाँ पे यूज़ होता है वो लिखना है. सो ए में हमें करना है, बट ये सारे चार हम नहीं करेंगे, उसके अलावा हम नेक्स्ट करेंगे. बी में है कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिसमें से हम डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करने वाले हैं. सो टेक डाउन दैट टू प्रैक्टिकल. सी एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच दैट इज ओमिटेड, वो हम नहीं करेंगे, एक्सक्लूड हो गया है वो. डी इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड. क्वांटिटेटिव ई में लिखा है एस्टिमेशन, जिसमें हम करेंगे प्रिपरेशन, बिकॉज नाउडेज वी आर यूजिंग अ केमिकल बैलेंस, जिसमें हम वॉट एवर द पर्टिकुलर बैलेंसिंग वेइंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है. फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, येस वी आर डूइंग दिस वन. सेकेंड एंड थर्ड वी आर डूइंग. फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट मीन्स ऑल ऑफ द सब कैटेगरी प्रैक्टिकल वी हैव टू डू. एंड एफ में देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें से दोनों हमें करने हैं. सो टोटल 10 प्रैक्टिकल्स वी आर गोइंग टू डू. सो दैट इज अबाउट द सिलेबस. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स इन द जर्नल. यू कैन सी योर हियर जर्नल इन विच द वेरी फर्स्ट इंडेक्स पार्ट वेर यू हैव टू राइट अबाउट द एम्स, देन पेज, देन डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. हम आज की डेट डालेंगे क्योंकि हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं. डेट ऑफ सबमिशन दैट यू डोंट हैव टू मैंशन ड्यू टू दिस सिचुएशन. वी आर आस्किंग फॉर योर जर्नल्स एट अ वन टाइम ओनली. देन वेन यू टॉक्ड अबाउट द पर्टिकुलर एम, तो हाउ टू राइट द जर्नल, तो आपके पास दो पेजेस होंगे. यहाँ पे हमेशा वेन यू विल टॉक्ड अबाउट द दिस पेज इज नोन एज, वेन यू टॉक्ड अबाउट लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज राइट हैंड साइड. So when you talked about your side, that is right hand side and that is left hand side. तो left right hand side पर हम क्या लिखेंगे आपकी, तो aim या तो objective, material required, chemical apparatus which is used, procedure लिखेंगे हम ये वाले page पर. Children see carefully so you have to write it. अब ये वाले page पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर diagram है practical से related तो ये left hand side पर जाएगा, कोई chemical equation है तो वो right ये page पर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे. ऑब्जर्वेशन कोई है तो ये पेज पे जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल है तो ये भी वो ये पेज पे जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो कैलकुलेशन है तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी और लास्ट में रिजल्ट जाएगा राइट हैंड साइड पे. सो दिस इज द वे टू राइट द प्रैक्टिकल. दैट मीन्स वॉट यू हैव टू डू इज, आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन यू, टेक्स्ट बुक में सॉरी मैनुअल में नहीं है, तो आई जस्ट टीच यू हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल सिजन. तो अगर ये आपके पास जर्नल है तो ये हुआ राइट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है एम, मटेरियल रिक्वायर्ड. सी मटेरियल रिक्वायर्ड में सारे केमिकल्स आप लिखोगे, एपरेटस में आप लिखोगे बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है वो. देन प्रोसीजर यू कैन सी हियर, प्रोसीजर लिखोगे आप, ये सारे राइट हैंड साइड पे. अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व किया, डायग्राम अगर कोई है आप ड्रॉ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन टेबल आपको ड्रॉ करना है यही पेज पे, और लास्ट में आपको कोई कैलकुलेशन है प्रैक्टिकल्स में तो ये लिखनी है. ये सारा हो जाने के बाद लास्ट में रिजल्ट भी आपको कहाँ पे लिखना है, राइट हैंड साइड पे. यहाँ पे आप डेट डालोगे वेरी फ्रंट, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर अपर साइड पे और एक्सपेरिमेंट नंबर डालोगे वन. सब कैटेगरी है तो ए और बी कर सकते हो आप, ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल इन द जर्नल, ठीक है. जर्नल के दो साइड के पेज होंगे, अगर ब्लैंक है तो इट्स ओके, अगर लाइंड है तो भी चलेगा.
ठीक है, किसी के पास ब्लैंक वाला होगा तो भी इट्स गोइंग टू बी अलाउड, और अगर लाइन वाली जर्नल है तो भी चलेगी। ये सारे एक पेज पे नहीं लिखना है, यू कैन यूज़ मोर एंड मोर पेज। ऑब्जर्वेशन और डायग्राम एक पेज पे हैं तो दूसरे वाले ब्लैंक पेज पे या तो लाइन वाले पेज पे आप ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, टेबल ड्रॉ कर सकते हो, या तो कैलकुलेशन। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स। नाउ वी सी द प्रैक्टिकल विच वी हैव टू परफॉर्म टूडे। सी ऑन द बोर्ड द प्रैक्टिकल वन, where you have to identify the various apparatus used in chemistry lab, and then after you have to write the description and uses of each apparatus which is used. ये कहाँ पर लिखना है वो भी मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। apparatus, chemical apparatus जैसे जैसे आपको दिखाए जाएंगे वैसे वैसे आपको लिखने हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। you have to write one by one. procedure अगर है तो लिखनी है, नहीं तो dash करना है। डायग्राम अगर है तो ड्रॉ करने, नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं करोगे। एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल हाउ टू ड्रॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सीरियल नंबर। फिर आपको जो भी अपरेटस दिखाया जाए वन बाय वन, सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब के लिए लिखा हुआ है। अगर आप देखो इंट्रोडक्शन में केमिकल अपरेटस के, तो उसमें भी है बच्चा कि टेस्ट ट्यूब क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे। तो टेस्ट ट्यूब इज़ अ वन हॉलो ट्यूब क्लोज एट द एंड, नीचे से वो क्लोज्ड है और ऊपर से उसके पास सर्कुलर रिम्स है जिसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को होल्ड करने में यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज यू हैव टू राइट वन बाय वन। सो वॉट एवर द पर्टिकुलर अपरेटस इज सोन टू यू टूडे वन बाय वन, दैट यू हैव टू राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू सी द प्रैक्टिकल केयरफुली, एंड देन एनी ऑफ द टाइम वी आर आस्किंग फॉर योर जर्नल फॉर चेकिंग। ओके, सो सी द केमिकल अपरेटस विच आई एम शोइंग टू यू केयरफुली, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड इट इज़ देयर इन द मैन्यूअल ऑल्सो about all, whatever is showing that much only you have to write, rest you don't have to write about, okay? So see it carefully children. Once you can see the bulk of apparatus over here, we have to see one by one in a stepwise manner. सबसे पहले यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब दे सकते हो, जो सी द टेस्ट ट्यूब केयरफुली, यहाँ से नीचे से वो एंड वाली है और ऊपर से देखो उसको सर्कुलर रिम है जैसे मैंने अभी बोला। सो दिस इज द वन apparatus which is used to hold the chemical फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। उसको मैंने जो रखा है वो है टेस्ट ट्यूब स्टैंड विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब। एंड इफ़ द पर्टिकुलर वैन यू टॉक्ड अबाउट द सोल्यूशन, इफ सोल्यूशन इज हॉट देन यू कैन यूज दिस वन विच इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब होल्डर। चिल्ड्रन दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब होल्डर विच इज़ यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब वैन एवर यू आर जस्ट यूजिंग द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यू कैन नॉट hold the test tube directly, for that you have to use test tube holder, you can see here. That means we have learned about three of the apparatus. सबसे पहले लिखोगे test tube, then test tube stand and test tube holder. So that is about what three of the apparatus which we have seen. That is known as funnel. It is a cone-shaped glass apparatus, and when we'll talked about this, it is used for carrying out titration purpose. कोई भी सोल्यूशन को अगर लेना है तो डेट इज़ यूज, सपोज आई एम यूजिंग वॉश बॉटल, ये वॉश करने के लिए यूज होता है, तो यू कैन पोर आउट द टाइट्रेंट इनटू ब्यूरेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये होल्ड क्या करता है, ब्यूरेट। तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब आपको दिख रही है, डेट इज़ नोन एज ब्यूरेट सिलेंड्रिकल ट्यूब, एंड इट इज़ हैविंग अ नोजल एंड अ स्टॉप कॉक एट द बॉटम ऑफ द एंड, सो डेट इज़ नोन एज ब्यूरेट। And this is known as pipette. You can see over here 10 ml pipette आपको दिख रही है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ pipette. दो तरह के pipette होते हैं, that is a simple pipette and that is a graduated pipette. Pipette कहाँ पर use होता है, that is also used whenever we talked about a long tube, a bulb in the middle. ये bulb है आपको दिख रहा है, in the middle दिख रहा है, तो ये bulb है। इट इज़ यूज टू मेजर एंड ट्रांसफर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्यूरेटली, ठीक है। उसी तरह ग्रेजुएटी पीपेट है, कोई स्मॉल वॉल्यूम लेना है 1 ml 2 ml तो हम ग्रेजुएटी पीपेट यूज़ करेंगे, ये वाली ऊपर से रबर कॉर्क वाली। सो डैट इज़ हाउ मैनी टोटल वी हैव डन, वॉट एवर वी हैव डन आई एम जस्ट पुटिंग अ साइड वाइज, सो यू हैव यू जस्ट काउंट दैट नंबर ऑफ केमिकल अपरेटस 1 2 3 4 5 6, डेट इज 7 1 एंड डेट इज 8 1, टोटल 8 वी हैव डन। डेट इज़ वायर गॉस। वायर गॉस कब यूज होगा, कोई केमिकल को हमें हीट करना है तो उसे ट्राइपॉइड स्टैंड, ये ट्राइंगल स्टैंड दिख रहा है उसे हम बोलेंगे ट्राइपॉइड स्टैंड। अब उसे डायरेक्टली हीट नहीं करोगे, यू आर यूजिंग इधर बीकर, 100 ml वाला बीकर है,
उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जाना जाता है बीकर से। बीकर इज़ ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग द वाटर और एनी अदर केमिकल्स। तो आप उसे रखोगे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अगर गर्म करना है तो। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो चाइना डिस, जिसे हम बोलेंगे चाइना डिस। देख सकते हो आप वाइट कलर की डिस आपको दिख रही है, जिसे हम चाइना डिस बोलेंगे। बच्चा सर्कुलर डिस है, चाइना मटेरियल से बनती है, एवोपरेटिंग मिक्सर को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। दैट मीन्स सॉलिड को एक्सपोज करने के लिए एयर में यूज़ होता है ये। वॉश बॉटल है, फॉर वॉशिंग पर्पज यूज़ होता है। ये ब्रश है, बॉटल ब्रश है या तो टेस्ट ट्यूब ब्रश है, जिससे आप टेस्ट ट्यूब या तो बॉटल को साफ कर सकते हो। यू कैन जस्ट क्लीन द पर्टिकुलर इधर टेस्ट ट्यूब और बीकर और एनी अदर मटेरियल बाई दिस वॉशिंग, उसे डिस वॉशर या तो बॉटल वॉशर बोलेंगे। सो आई एम जस्ट कीपिंग वॉट एवर वी हैव लर्न असाइड बाई, सो यू हैव आइडिया। दिस इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग केमिकल्स। दिस इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब स्टैंड विच इज़ होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन साइड इन इट। डिट इज़ फनल, ग्लास फनल और प्लास्टिक फनल यू कैन यूज फॉर जस्ट टेकिंग आउट द सल्यूशन इन अ प्रॉपर मैनर। डिट इज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर, यू कैन सी ओवर हियर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब वैन एवर यू आर यूजिंग कंसनट्रेटेड सल्यूशन। डिट इज़ अ वॉशर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू वॉश द ईदर एनी काइंड ऑफ केमिकल अपरेटस। डिट इज़ ईदर बीकर और चाइना डिस और टेस्ट ट्यूब। डिट इज़ नोन एज पीपेट, टू टाइप्स ऑफ पीपेट, सिंपल एंड डेट इन बल्ब टाइप ऑफ पीपेट एंड ग्रेजुएटी पीपेट। इट इज़ यूज फॉर टेकिंग आउट द एनी ऑफ द लिक्विड इन अ एक्यूरेट मैनर, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ml, 1 ml, 2 ml, फॉर दैट वी आर यूजिंग द ग्रेजुएटी पीपेट, जिसपे ऊपर रबर लगा हुआ है। डेट इज़ नोन एज पेट्रेडिस, ये पेट्रेडिस है, अगर आप देखो तो ग्लास वाला मटीरियल है। पेट्रेडिस का यूज़ कहाँ पर होगा, तो पेट्रेडिस इज़ गोइंग टू बी यूज for the purpose of keeping salt inside in it। जब भी हम salt लेंगे salt analysis के लिए तो ये use करेंगे। Beaker already we have discussed, we have different type of 250 ml का beaker होगा हमारे पास, 100 ml का beaker होगा। That is watch glass to holding any kind of material for weighing purpose। ठीक है, weighing machine, electronic weighing machine we are using, so I am just showing it to you at last। ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट स्टैंड है और टेस्ट ट्यूब पर्टिकुलर होल्डिंग स्टैंड है, आयरन स्टैंड, जहाँ पे ब्यूरेट आप देख सकते हो नोजल और रबर कॉक के साथ है। ये पीएच पेपर्स हैं, पीएच पेपर वाला एक्सपेरिमेंट अभी कैंसल्ड हो गया है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दैट पीएच पेपर केयरफुली, विच गिव्स अस आइडिया अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ऑफ द सोल्यूशन। नाउ दैट इज नोन एज फ्यूजन ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब। यू कैन सी इन माई हैंड फॉर फाइंडिंग आउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज फ्यूजन ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब। नाउ दैट इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क विच इज़ यूज इन द टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स, कॉनिकल फ्लास्क ही यूज होगा। सो दिस पर्टिकुलर मैनी वी हैव लर्न। दैट इज नोन एज पेयर ऑफ टोंग, अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसे हम डायरेक्टली हाथ से नहीं लेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी होल्ड लाइक दिस, सो दैट इज नोन एज पेयर ऑफ टोंग। आप देख सकते हो अच्छे से फॉर होल्डिंग एनी ऑफ द हॉट मटीरियल, हॉट अपरेटस। तो ये है पेयर ऑफ टोंग। देन इट इज़ ड्रॉपर, अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमें लेना है देन वी आर यूजिंग ड्रॉपर। देन कोई सोल्यूशन को अगर हमें अच्छे से सेकवेल करना है सो दैट इज नोन एज ग्लास रोल फॉर शेकिंग द पर्टिक्यूलर सोल्यूशन इन प्रॉपर मैनर। देन दिस इज नोन एज प्लेटिनियम वायर चिल्ड्रन, अगर लेबोरेटरी में हम जाएंगे तो स्कूल में नहीं है तो बाहर स्टेशनरी में से भी मिलता है प्लेटिनियम वायर। आप देख सकते हो प्लेटिनियम वायर इधर, यू कैन सी ओवर हियर केयरफुली, यहाँ पर आपको पतला वाला वायर दिखेगा। तो ये वायर कहाँ पे यूज़ होगा, टू आइडेंटिफाई अबाउट द फ्लेम ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्ट, फ्लेम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। देन थर्मोमीटर, हाँ थर्मोमीटर हमें काम आएगा, क्यों आएगा, फॉर फाइंडिंग आउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये थर्मोमीटर दिख रहा है, मैंने आपको थर्मोमीटर दिखाया है, अभी रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री, ये आपको रेड लाइन दिखेगा टू मेजरिंग आउट द रूम टेम्परेचर और अदर टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। थर्मोमीटर है, जो जो हमें यूज़ करने हैं वो सारे अपरेटस हम यूज़ करेंगे और देखेंगे। ये आप देखो तो नीचे से फ्लैट बॉटम फ्लास्क है,
सो डेट इज़ नोन एज फ्लैट बॉटम फ्लास्क. राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे फ्लैट नहीं होगा, वो नीचे से राउंड होगा, डेट इज़ नोन एज राउंड बॉटम फ्लास्क. सो डेट इज़ फ्लैट बॉटम फ्लास्क, उसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक में दिया है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें नीचे से फ्लैट नहीं होगा, नीचे से वो शेप में होगा. डेट इज़ नोन एज मिजरिंग फ्लास्क विच इज़ यूज इन टाइट्रेशन प्रोसेस. ये मिजरिंग फ्लास्क है. और कौन सा वाला? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है. और ये है मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें से कोई भी वॉल्यूम आपको बनाना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे. इसी तरह ये है 1000 ml वाला बीकर. सो यू कैन सी ओवर हियर ऑल द अपरेटस आई हैव शोन यू. सो दीज आर द अपरेटस विच वी हैव टू यूज ड्यूरिंग द होल ईयर. सो यू हैव आइडिया दैट विच पर्टिकुलर अपरेटस इज नोन एज वॉट. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको आना चाहिए कि मैडम दैट इज़ नोन एज पेट्रेडिस. अगर मैंने आपको कहीं से बोल दिया कि डिश वॉशर लेके आओ तो आप यहीं लेके आओगे, दूसरा वाला लेके आओगे नहीं, ठीक है. अगर मैंने बोला ग्रेजुएटी पीपेट आई वॉन्ट, सो यू हैव टू जस्ट चूज दिस वन एज अ ग्रेजुएटी पीपेट चिल्ड्रन. सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर मैं बोलूँ कि मुझे कॉनिकल फ्लास्क चाहिए तो डैट इज़ ओनली नोन एज क्रॉनिकल फ्लास्क. आप कोई अदर मटेरियल उठा के आएंगे नहीं, ठीक है. सो डैट इज़ ऑल अबाउट. सी दिस इज़ द वे हाउ टू डू. वी आर डूइंग द टाइट्रेशन एंड वी आर गोइंग टू डू. एंड टाइट्रेशन के लिए आप जो सोल्यूशन बनाएंगे वो बनाएंगे मेजरिंग फ्लास्क में, ठीक है. सिलेंड्रिकल फ्लास्क में आप सोल्यूशन बनाएंगे. अभी मैंने बना के रखा हुआ है. सो डैट इज़ यूज फॉर द वेरियस पर्पज. इतने अपरेटस हमें यूज़ करने हैं एंड दैट्स वाई वी आर, इफ़ यू आर काउंटिंग देन हाउ मेनी अपरेटस. सो डैट इज़ पेट्रेडिस 1, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, फनेल, दैट इज 4, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एंड दैट इज़ नोन एज लास्ट स्पेक्चुला. कोई भी सॉल्ट आपको लेना है तो आप ऐसे लेंगे. घर में जैसे चम्मच यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री लैब में स्पेक्चुला यूज़ होती है. सो दैट इज़ अबाउट. ओके, सो दैट इज़ अबाउट. अगेन वी आर काउंटिंग 1, आई डोंट स्टैंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, and 28. तो मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल बना उसमें 28 अपरेटस के डिस्क्रिप्शन चाहिए. ये अगर जिसने अच्छे से प्रैक्टिकल देखा है उसको ही आएगा. दैट मीन्स कि मैंने बोल दिया है, आपकी मैनुअल है उसमें है, तो आपको टिक करते जाना है कि मैंने आपको टेस्ट ट्यूब दिखा है इसको टिक करो, सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब मैंने नहीं दिखा इसको टिक मत करो, बॉयलिंग ट्यूब यस, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, फनेल, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, पीपेट, ब्यूरेट, देन वाटर कंडेंसर नहीं है, एयर कंडेंसर नहीं है. सो वी आर गोइंग टू टिक मार्क वॉट एवर वी आर राइटिंग इज. देखो यहाँ पे हम बॉइलिंग ट्यूब लिखेंगे, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, फनेल, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, पीपेट, ब्यूरेट, देन बॉटल, दैट इज वॉश बॉटल इट्सेल्फ, ठीक है. तो यहाँ पे वॉश बॉटल, देन वायर गॉज, ट्राइपॉइड स्टैंड, फ्यूजन ट्यूब, वॉच ग्लास, देन टेस्ट ट्यूब होल्डर, पेयर ऑफ टोंग्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बंसन बर्नर. यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्नर है विच इज़ यूज फॉर द हीटिंग पर्पज. देन ग्लास रोड, चाइना डिश, आयरन स्टैंड, टेस्ट ट्यूब ब्रश एंड बॉटल ब्रश. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. अब कौन से वाले नहीं हैं? तो स्पैक्चुला नहीं है, वो आपको ऐड करनी है. स्पैक्चुला इज नॉट देयर, सो यू हैव टू राइट इट. देन प्लेटिनियम वायर, दैट इज नॉट देयर, ठीक है.
देन थर्मोमीटर, इट इज वन एडिशनल वन. देन पेट्रेडिस इज ऑल्सो नॉट देयर. सो टोटल 28 वी हैव टू राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज द पर्टिक्युलर प्रैक्टिकल दैट इज बेस्ड ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई द एपरेटस, केमिकल एपरेटस, एंड वॉट आर द यूजेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर, दैट इज देयर ऑलरेडी इन द टेक्स्ट मैन्युअल. यू कैन कॉपी फ्रॉम दैट पर्टिक्युलर मैन्युअल दैट हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज. So that is all about today, and that you have to write. If you don't know how to write, then I'll write any four particular apparatus along with the description and uses as in the observation table, and just send the link to you. So that is all about today. In the next particular, we are starting with determination of the practical based on the identify melting point and boiling point of the particular solid and as well as the liquid solution. Thank you and have a nice day.